कोरोना महामारी की स्थिति और उसके बढ़ते प्रभाव के साथ साथ उसके रोकथाम के लिए जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज सतना जिला पंचायत की उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह उचेहरा सब्जी मंडी पहुंची। सब्जी मंडी पहुंचकर उन्होंने किसानों के थर्मल स्कैनिंग के जरिए तापमान लिया और फेस शील्ड वितरित की। इस दौरान डॉक्टर रश्मि सिंह ने वहां किसानों को समझाइश भी दी। डॉक्टर रश्मि सिंह चूंकि पेशे से डॉक्टर हैं, तो वो इस बात को बेहद संजीदा तरीके से समझती भी हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर करना और लगातार इसके पालन करते रहना ही इसका मुख्य बचाव है। अगर हम लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, फेस कवर करके रखेंगे, लगातार सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, हाथ साफ रखेंगे, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। डॉक्टर रश्मि सिंह ने सब्जी मंडी में भी किसानों का हाल चाल जाना। लॉकडाउन से मिली छूट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम स्थिति को पूरी तरह से सामान्य समझ लें। डॉक्टर रश्मि सिंह ने यहाँ लोगों को यही समझाने का प्रयास किया। वर्तमान स्थिति में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में इस बात की जरूरत भी है कि हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और लगातार जो गाइडलाइन जारी हो रही हैं, उन गाइडलाइन का पालन करें। जिला पंचायत उपाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि सिंह ने आज किसान भाई बहनों को इसी बात का संदेश दिया। प्रिय साथियों, किसान भाइयों और बहनों, लॉकडाउन लगभग खुलता ही जा रहा है, लेकिन स्थिति और भी खतरनाक और भयावह होती जा रही है। लॉकडाउन खुलने का मतलब हम सभी ये ना समझें कि हम सभी समान स्थिति में आ चुके हैं। आज मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हम 24 घंटों के अंदर पहले सुनते थे 2 मरीज, 4 मरीज, 100 मरीज, 200 मरीज, 1000, 2000, लेकिन अभी पिछले 24 घंटों के अंदर 10,000 मरीज हमारे देश में नए पाए गए हैं। तो सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि हम सभी कोरोना महामारी के प्रति जागरूक हों, सावधानी बरतें और सतर्कता रखें। और यहाँ तो उपस्थित उचेहरा सब्जी मंडी में किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आज सब्जी बेचने की भी आवश्यकता है और इम्यूनिटी बनाने के लिए लोगों को सब्जी खरीदने की भी आवश्यकता है। इसलिए सब्जी बेचने वाले और सब्जी खरीददार दोनों को सतर्कता की जरूरत है। दोनों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए और जागरूक रहें। और सभी भारतवासियों से यही कहना चाहूँगी कि हम भारतीयों में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि हम सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों से निपट सकते हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि हम सभी भारतवासी आपसी एकता और आपसी भाईचारा के साथ इस कोरोना महामारी से एकजुट होकर कुछ नियमों का पालन करके, सतर्कता रख के, जागरूकता लाकर कोरोना महामारी से विजय प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।